तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है फीमोरल आर्टरी। अभी जो फीमोरल आर्टरी जो है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो आज अपन इसमें देखेंगे कि फीमोरल आर्टरी का ओरिजिन क्या है, इसका कोर्स क्या है, मतलब इसका रास्ता क्या है, देन इसके रिलेशन किसके एंटेरियर साइड में क्या है, इसके पोस्टेरियर साइड में क्या है, इसके लेटरल और मीडियल रिलेशन कौन बना रहा है, देन अपन देखेंगे इसकी ब्रांचेस। अब जो फीमोरल आर्टरी जो है यहाँ पे कुल मिला के 6 ब्रांचेस देती हैं, जिसमें 3 सुपरफिशियल ब्रांच होती हैं, देन 3 होती हैं डीप ब्रांच। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फीमोरल आर्टरी का ओरिजिन। अब सबसे पहले सबसे ऊपर क्या रहता है, रहता है आपका कॉमन इलियक आर्टरी, अपन को पता है। अब जो कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो आपकी डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में। अब वही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, यहाँ पे एक लिगामेंट रहता है, उसको अपन बोल देते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है, जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो उसी को अपन बोलने लगते हैं फीमोरल आर्टरी। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो लिगामेंट दिख रहा है, जो आपकी एंटेरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक, ये आपको एक लिगामेंट जा रहा होगा, इस तरफ भी ये लिगामेंट है सेपरेट, उसको अपन बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। इसी इंग्वाइनल लिगामेंट में को जैसे ही एक्सटर्नल इलियक आर्टरी क्रॉस करती है तो वो आपकी बन जाती है फीमोरल आर्टरी। मतलब फीमोरल आर्टरी क्या है, ये आपका कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। देन वो आ जाती है आपकी फ्रंट ऑफ थाई में। तो ये जो है ये क्या है, ये आपकी मिडल साइड, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है आपका मिडल साइड और ये है आपका लेटरल साइड। तो ये फ्रंट ऑफ थाई में मीडियली डाउनवर्ड, ये मीडियल साइड और नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाती है। देन यहाँ पे क्या रहता है, जो अडक्टर मैग्नस मसल है, एक मसल रहती है यहाँ पे मिडल साइड में, उसको अपन बोलते हैं अडक्टर मैग्नस मसल। उसके अंदर बीच में एक स्पेस रहती है। अगर मैं आपको सेपरेट मसल दिखाऊं तो ये क्या है, ये है आपकी अडक्टर मैग्नस मसल। अब इसका जो इंसर्शन होता है, उसके इंसर्शन की टेंडन के बीच में एक स्पेस दिखती है, उसको अपन बोलते हैं अडक्टर हियाटस। अडक्टर मतलब कि अडक्टर मैग्नस मसल की है, हियाटस मतलब ओपनिंग, तो इस ओपनिंग को अपन बोल देते हैं अडक्टर हियाटस। तो इस ओपनिंग में ये जो आर्टरी है ये क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करके आ जाती है पोस्टीरियर साइड में, जो फीमर बोन है अभी ये था फ्रंट में, देन फ्रंट के बाद जैसे इस ओपनिंग को क्रॉस करेगी वो आ जाती है पोस्टीरियर साइड में। और अब अपन उसको बोलने लगते हैं पॉपलीटियल आर्टरी। मतलब जो फीमोरल आर्टरी है उसका एक्सटेंड कहाँ से होता है, आपका एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से लेकर ये अडक्टर मैग्नस के अंदर जब तक पियर्स नहीं करती, जब तक होता है इसका एक्सटेंड। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है फीमोरल आर्टरी का ओरिजिन कैसे हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, तो ये क्या है, ये है आपका फीमोरल ट्रायंगल। अगर आपने मेरी फीमोरल ट्रायंगल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप फीमोरल ट्रायंगल की और अडक्टर कैनाल की, इन दोनों की वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि जो फीमोरल आर्टरी जो है ये इसी का कंटेन होता है। तो क्या होगा, अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं आता होगा तो ये आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो पहले आप वो वीडियो देख लो, देन फिर आप मेरी फीमोरल आर्टरी की ये वीडियो देखना। लेकिन अगर आपको इसको आता है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो मैं उसको फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अब जो फीमोरल ट्रायंगल जो है ये एक्चुअली में फ्रंट ऑफ थाई में एक आपको ट्रायंगुलर डिप्रेशन दिख रहा है, उसी को अपन बोलते हैं फीमोरल ट्रायंगल, और उसी फीमोरल ट्रायंगल का कंटेन होती है फीमोरल आर्टरी। तो जो फीमोरल आर्टरी जो है ये आपको दिख रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट, उस इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल बीच से, मिड पॉइंट से ये आपकी बनती है फीमोरल आर्टरी, बिगेन होती है। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से जो है फीमोरल आर्टरी आपकी बिगेन होती है। देन अपन देखते हैं इसका कोर्स। तो इसका कोर्स देखने के लिए मैं फर्दर ये वाला डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपकी थी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, देन एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की आपका आगे कंटिन्यू होके बन गई ये फीमोरल आर्टरी। तो ये मिड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से ये नीचे आई, डाउनवर्ड आई और कहाँ आ गई, आपकी आ गई फीमोरल ट्रायंगल में। तो फीमोरल ट्रायंगल को मैं सेपरेट दिखाता हूँ अब। तो ये आपके आ गए फीमोरल ट्रायंगल में, देन ये जो फीमोरल ट्रायंगल है ये आगे एक्सटेंड किस में होता है, ये आपके आगे एक्सटेंड होता है अडक्टर कैनाल में। तो अडक्टर कैनाल की वीडियो आप पहले देख लो, देन तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने देख रखी है तो मैं इसको फर्दर रिवाइज करवाता हूँ। अब क्या होता है, ये जो मीडियल साइड है, अपने जो थाई है, थाई में 3 मसल के कंपार्टमेंट होते हैं,
एक एंटेरियर कंपार्टमेंट जो कि होता है एक्सटेंजर कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो कि आपका होता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और एक मीडियल कंपार्टमेंट जो कि है अडक्टर कंपार्टमेंट। अब वहाँ की मसल के बीच में एक स्पेस रहती है, अब मसल्स के बीच में स्पेस है तो अपन क्या बोलेंगे, इंटर मस्कुलर स्पेस। उसी इंटर मस्कुलर स्पेस को अपन बोलते हैं अडक्टर कैनाल। तो इस अडक्टर कैनाल में जो है फिमोरल आर्टरी आपकी पास होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट से फिमोरल आर्टरी आपकी आती है फिमोरल ट्रायंगल में। ये क्या है, ये आपका फिमोरल ट्रायंगल। देन फिमोरल ट्रायंगल जो है वही आगे क्या बन रहा है, अडक्टर कैनाल। तो ये आपके जाती है अडक्टर कैनाल में, और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है आपकी अडक्टर मैग्नस मसल की। तो उस अडक्टर मैग्नस मसल की ओपनिंग से ये आपकी पोस्टीरियर साइड में चली जाती है। तो ये इसका हो गया आपका पूरा कोर्स फिमोरल आर्टरी का। पहले आएगी फिमोरल ट्रायंगल में, देन अडक्टर कैनाल में, उसके बाद अडक्टर मैग्नस मसल से की टेंडन से क्रॉस करेगी अडक्टर हियाटस से, जो ओपनिंग है उसकी, उससे क्रॉस करके वो आ रही है पोस्टीरियर साइड में। तो उसका जो कोर्स है यहाँ पे यही लिखा है कि सबसे पहले आर्टरी पास होती है डाउनवर्ड मीडियली, नीचे मिडल साइड में तो मीडियली, उसके बाद फर्स्ट कहाँ आ रही है आपकी फिमोरल ट्रायंगल में, देन वो आ रही है अडक्टर कैनाल में, फिर ओपन होती है इन अडक्टर मैग्नस मसल जो है उसकी ओपनिंग में चली जाती है और बिकम पॉपलीटल आर्टरी। वही क्या बन जाती है आगे जाके आपकी पॉपलीटल आर्टरी। तो ये था इसका कोर्स। देन अपन देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन देखने के लिए मैं आपको एक बार ये वाला डायग्राम और दिखाता हूँ। अब जो फिमोरल ट्रायंगल में जो फिमोरल आर्टरी रहती है वो ऐसी रैंडमली नहीं रहती, एक्चुअली में फिमोरल ट्रायंगल में एक शीथ होती है, उसको अपन बोलते हैं फिमोरल शीथ। अब ये शीथ क्या है, शीथ बेसिकली क्या होती है, जो मसल है, मसल की कवरिंग को अपन बोलते हैं फेशिया। तो वो जो फेशिया रहती है वो क्या करती हैं, आपकी जो फिमोरल वेसल है, जो फिमोरल आर्टरी फिमोरल वेन, इन दोनों को कवर कर लेती है, तो उसी को अपन बोलते हैं फिमोरल शीथ। तो उस फिमोरल शीथ के अंदर जो है आपकी फिमोरल आर्टरी होती है फिमोरल ट्रायंगल में। ये जो चीज़ थी ये अपन ने फिमोरल ट्रायंगल में भी पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको स्पीड में रिवाइज करवा दिया। तो अपन देखते हैं रिलेशन। तो इस फिमोरल आर्टरी के इंटीरियर में सबसे बाहर क्या होगा, सबसे पहले आपकी होगी स्किन। अगर अपन बिल्कुल इंटीरियर में जाएं तो पहले आता है स्किन, देन स्किन के बाद क्या आता है सुपरफिशियल फेशिया, देन सुपरफिशियल फेशिया के बाद आता है डीप फेशिया, उसके बाद क्या आता है इंटीरियर वॉल ऑफ फिमोरल शीथ। अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या है, ये फिमोरल शीथ, और ये फिमोरल शीथ की ये क्या है, ये है आपकी इंटीरियर वॉल। सबसे पहले फिर आपका आता है इंटीरियर वॉल ऑफ फिमोरल शीथ। तो ये उसके होगा इसके एंटेरियर रिलेशन आगे के। देन अपन देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन पीछे के। तो सबसे पीछे क्या रहता है, जो फिमोरल शीथ है वही है, उसकी कौन सी वॉल, पोस्टीरियर वॉल। तो सबसे पहले इसमें रहता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ फिमोरल शीथ। देन आपकी तीन मसल हैं जो फिमोरल ट्रायंगल का फ्लोर बनाती हैं। अब जो फिमोरल आर्टरी है मैं फिर से बताता हूँ, वो कहाँ है, फिमोरल ट्रायंगल में। अब जो फिमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर बनाएगा वही तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर होगी। फ्लोर का मतलब क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा उसका, तो वही जो है इसका आपका बनाएगा फ्लोर, तो वही इसकी बनाएगी पोस्टीरियर रिलेशन। तो उसमें तीन मसल रहती हैं, एक है श्वास मेजर मसल, एक पेक्टिनियस मसल, एक अडक्टर लॉन्गस मसल। तो ये इसके हो गए पोस्टीरियर रिलेशन। देन अपन देखते हैं मीडियल में। तो इसके मीडियल में ये मीडियल साइड है, ये है इसकी लेटरल साइड। तो इसके मीडियल में आप क्या देख रहे हो, ये वेन है, ये क्या है फिमोरल वेन। तो उसका मीडियल रिलेशन कौन बनवा रहा है, वो बना रहा है फिमोरल वेन। देन इसके लेटरल में, इसके लेटरल साइड में आप देखो तो आपको येलो से ये जो नर्व दिख रही है ये क्या है फिमोरल नर्व। तो इसके लेटरल रिलेशन बना रहा है फिमोरल नर्व। तो इसके पूरे हो गए रिलेशन। देन अपन आते हैं इसके ब्रांचेस पे। तो मैंने आपके इसकी ब्रांचेस पे पहले ही बताया था, ये क्या कर रहा है कि तीन सुपरफिशियल और तीन डीप ब्रांच देता है। अब जो सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो आप कहाँ रहती हैं, वो आपकी रहती हैं सुपरफिशियल फेशिया में। तो मैं अगर उसमें बताऊँ आपको तो तीन सुपरफिशियल दिख रहे हैं और ये तीन आपको डीप दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी रहती है, आपकी रहती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, फिर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, देन सुपरफिशियल एक्सटर्नल क्यूबिक आर्टरी।
अभी जो सारी जो आर्टरीज होती हैं इसको एक बार आप ध्यान से सुन लो, देन जब आप उसको रिवाइज करोगे, मैं इसको जिंगल बता दूंगा, देन जब आप इसकी जिंगल की रिवाइज करोगे तो आपको सारी की सारी ये जो है याद हो जाएंगी। देन डीप में अपन देखें तो डीप में भी तीन है, एक डीप एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी, अपन यहाँ पे प्यूबिक भी बोल सकते हैं, उसकी जगह प्यूडेंडल भी बोल सकते हैं, दोनों जो है सेम ही है। तो यहाँ पे रहती है आपकी एक डीप एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी, देन ये फिमोरल प्रोफंडा आर्टरी, प्रोफंडा का मतलब होता है ये डीप, तो ये है आपकी फिमोरल प्रोफंडा आर्टरी। उसके बाद कुछ वो देती है आपको मस्कुलर आर्टरी, तो ये तीन आर्टरी होती हैं। देन अपन इसकी देख लेते हैं सप्लाई की, वो आर्टरी के ब्रांचेस जो है किस किस को सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले क्या रहता है, जो सुपरफिशियल ब्रांच जो है उसको याद करने की जिंगल तुम लिख लो ईईसी, मतलब सुपरफिशियल है तो समझो सुपरफिशियल तो हो गई। उसके अलावा एक ई से क्या है एक्सटर्नल प्यूडेंडल, एक ही हो गई एपिगैस्ट्रिक का, और सी होगा सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी का, तो इसकी जिंगल है ईईसी। तो सुपरफिशियल ब्रांच है एक्सटर्नल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। अब जो ये जितने भी सुपरफिशियल जो आर्टरी होती हैं ये आपको सप्लाई करेगी स्किन को, मतलब जो है वो सिर्फ आपके स्किन को सप्लाई करेगी। अब इसमें जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी जो है वो आपका सप्लाई करती है स्किन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन, मतलब जो अपने एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन जो होती है उसकी स्किन को ये सप्लाई करेगी सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। देन सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये आपकी सप्लाई करेगी स्किन लोअर पार्ट ऑफ एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल, जो अपना एब्डोमिन होता है उसके लोअर वाले पार्ट की स्किन को सप्लाई करेगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। देन सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो है ये आपकी सप्लाई करेगी स्किन अलोंग द इलियक क्रस्ट, अब जो इलियक क्रस्ट जो होती है उसकी स्किन जो है वो आपकी सप्लाई करेगी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। देन अपन देखते हैं डीप में, तो डीप में एक अपन ने देखी थी प्रोफंडा फिमोरल आर्टरी, ये जो है फिमोरल प्रोफंडा, इसको अपन बोलते हैं प्रोफंडा फिमोरल आर्टरी। अब जो प्रोफंडा फिमोरल आर्टरी जो होती है अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये आपकी लार्जेस्ट ब्रांच है, मतलब कि जो फिमोरल आर्टरी जो है उस फिमोरल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच, सबसे बड़ी ब्रांच जो है वो है आपका फिमोरल प्रोफंडल आर्टरी। उसके बाद ये आर्टरी जो है चीफ आर्टरी होती है, क्योंकि थाई के तीन कंपार्टमेंट मैंने जो बताए थे इंटेरियर पोस्टेरियर मिडल कंपार्टमेंट, इन तीनों कंपार्टमेंट को जो है ये वाली आर्टरी आपको सप्लाई करती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो प्रोफंडा फिमोरल आर्टरी जो है ये आपकी लार्जेस्ट ब्रांच होती है और चीफ आर्टरी होती है आपकी, जो कि सप्लाई करती है ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ थाई। देन अपन देखते हैं डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, जो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो ये डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल जो है सबसे ऊपर ही है, तो जो डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल इस साइड क्यों रहती है, क्योंकि वो आपकी पास होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अब आप बोलोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, अब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये एक्चुअली में आपका जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, ये जो दोनों टॉपिक हैं इंग्वाइनल लिगामेंट इंग्वाइनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो ये सारे आपके जो है ये एब्डोमिन के कंटेन हैं, एब्डोमिन के टॉपिक्स हैं। तो जब मैं आपको एब्डोमिन के टॉपिक्स बताऊंगा तो आपके जो है इसके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद सेपरेट और एक लार्ज टॉपिक है। तो अभी बस आप सुन लो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड करके एक चीज़ होती है, तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसके अंदर डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी पास होती है चली जाती है और सप्लाई करती है आपके स्क्रोटम को मेल में और फीमेल में लेबियम मेजर को। अभी सिर्फ आप याद कर लो, मैं देन आपको इसकी वीडियो सेपरेट डाल दूंगा, तो आपको लिंक आई बटन पे इसका भी मिल जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड पे, देन वो भी आप देख लेना। देन अपन देखते हैं मस्कुलर ब्रांच, अब जो क्या रहता है जो फीमोरल आर्टरी जो है कुछ मस्कुलर ब्रांच भी देती हैं, वो आपको सप्लाई करती हैं मसल ऑफ थाई, जितनी भी मसल हैं थाई में उन सबको सप्लाई वो कर देती हैं मस्कुलर ब्रांच फीमोरल आर्टरी की। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया फीमोरल आर्टरी। अब अपन आते हैं कि फीमोरल आर्टरी को यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। अब जो फीमोरल आर्टरी जो है अगर आपको यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो ये सबसे पहले शॉर्ट नोट में आएगा, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको इसको लिख के आना है, और ये जो है बिल्कुल सफिशियंट अमाउंट है आपका एक शॉर्ट नोट के लिए, और मेन क्या है ये क्वांटिटी है इसमें,
क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, मतलब अपन में से मेन मेन कंटेंट ही लिख के आना है, अपन को फालतू में बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेन कंटेंट लिखना है और हेडिंग में। तो पहले आप डालना फीमोरल आर्टरी, देन फिर ओरिजिनल, ओरिजिन लिखना, देन फिर आप लिखना कि कंटिन्यूशन होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का, बिगेन होती है आपकी बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे उसमें भी मिड पॉइंट में, देन उसको आप कोर्स लिख देना कि पहले फीमोरल ट्रायंगल में, देन अडक्टर कैनाल में, फिर अडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से, फिर वो बन जाएगी पॉपलिटल आर्टरी। और फिर इसके रिलेशन लिख देना, सारे रिलेशन, रिलेशन हेडिंग डाल के, फिर ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, पहले पूरा रिलेशन की हेडिंग डालो, देन एंटेरियर, फिर एंटेरियर के पोस्टेरियर, पोस्टेरियर रिलेशन, फिर मीडियल रिलेशन, देन ब्रांचेज में सुपरफिशियल ब्रांच डाल के 3 लिखना, देन डीप ब्रांच डाल के 3 आर्टरी लिखना। तो इस तरीके से तुम लिखोगे उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक शॉर्ट नोट के लिए। देन डायग्राम कौन सा बनाओगे, तो ये वाला जो डायग्राम है ये वाला आपको बना के आना है। तो उसमें आप क्या करना कि जो फीमोरल आर्टरी है ये पूरी शो कर देना, और ये जो फीमर बोन है इसको भी शो कर देना, देन इसके जो ब्रांचेस हैं देन ये ब्रांचेस शो कर देना। तो आपको इस तरीके से इसका पूरा डायग्राम आपको यूनिवर्सिटी में बना के आना है शॉर्ट नोट में। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से आपके फीमोरल आर्टरी के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, कौन कौन से इसके ब्रांचेज हैं, कोर्स हैं, इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इसके लिए मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा या तो डायग्राम या फिर 3D मॉडल से जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने आपको सारे डायग्राम से समझाया कि फीमोरल ट्रायंगल, अडक्टर कैनाल, जबकि इन दोनों पे सेपरेट वीडियो भी है अपनी, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डायग्राम से फर्दर और एक्सप्लेन करा ताकि ज़्यादा आपको इमेजिन हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें पूरे लोअर लिम्ब की वीडियो आने वाली है, और आपको अपर लिम्ब पे वीडियो चाहिए तो आप लिंक आई बटन पे जा सकते हैं, मैंने पूरे अपर लिम्ब की वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और उसके अगर आपको HD नोट्स चाहिए तो फीमोरल आर्टरी के, तो आप मेरे Instagram ID पर जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके HD नोट्स प्रोवाइड करे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।